एयरटेल ने प्रीपेड प्लान पर 25% तक बढ़ाई टैरिफ दरें, 26 नवंबर से होगी लागू। बिहार के अररिया में बदमाशों ने पत्रकार को मारी गोली, तेजस्वी यादव ने बताया जंगल राज। चारा घोटाला में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें फिर बढ़ी, कल पटना कोर्ट में होगी पेश। लखनऊ में आज होगी संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत, सभी किसानों से भाग लेने की गई अपील। ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा, प्रस्तावित विपक्ष के नेताओं से मिलेंगी, पीएम से भी मुलाकात संभव। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन यानी 22 नवंबर को एक बार फिर पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के एक साथ आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। दोनों के एक होने की संभावनाओं को तब और बल मिलता दिख रहा है जब अखिलेश ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि वो चाचा शिवपाल की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से न केवल गठबंधन करेंगे बल्कि उनको सपा में पूरा सम्मान भी दिया जाएगा। तो मुलायम सिंह के जन्मदिन के साथ ही चाचा भतीजा एक हो सकते हैं, सपा के साथ विलय कर सकते हैं शिवपाल, और इस बात के कयास तभी से लगाए जा रहे हैं और इस बात की चर्चा तभी से तेज हो गई जब अखिलेश का बयान सामने आया था कि उन्हें सपा में पूरी इज्जत मिलेगी। इसके बाद से ही इन अटकलों के बाजार तेज हो गए और अब ये माना जा रहा है कि यूपी का जो 2022 का चुनाव है वो चाचा भतीजे एक साथ लड़ेंगे, यानी कि प्रसपा और सपा दोनों का विलय हो जाएगा और ये विलय होगा 22 तारीख को, यानी कि मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के अवसर पर, यानी आज दोनों का विलय संभव माना जा रहा है। शिवपाल भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि हमें सरकार बनानी है और जो है बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए हम सपा के साथ आ जाएंगे लेकिन अपनी पार्टी के सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। तो सम्मान की बात यहाँ जब बीच में आ रही थी और दोनों इस बारे में बात कर चुके हैं और सभी के सामने घोषणा कर चुके हैं कि पूरा सम्मान दिया जाएगा, तो अब दोनों का विलय संभव माना जा रहा है। और अब इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या सपा और प्रसपा दोनों का आज विलय होगा? देखिए, आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं गठबंधन की कवायदें बढ़ती जा रही हैं, चाहे सुभाषपा और सपा के गठबंधन की बात हो या हिस्सेदारी मोर्चा के गठबंधन की बात हो या अन्य छोटे दलों की गठबंधन की बात हो, जिस तरह से चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे दलों में ये बात साफ हो रही है कि कौन किसके साथ जाएगा। और जिस तरह से प्रसपा के प्रमुख जो है शिवपाल सिंह यादव, जो अखिलेश यादव के चाचा भी है, वो लगातार कह रहे थे कि भैया मैंने विकल्प खोल रखा है और मुझे चाहिए, अगर अखिलेश जी चाहे तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ और अगर उनकी पहल होगी तो तौर पर उनके साथ जाऊंगा। हालांकि इस बीच में उन्होंने ओबीसी से मुलाकात भी करते रहे, सुभाषपा से, ओम प्रकाश अलवर से भी उनकी मुलाकात होती रही, भीमा आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से भी उनकी मुलाकात होती रही, तो सरगर्मियों का कुल मिला के बाजार गर्म रहा। पर जिस तरह से अभी अखिलेश ने दिवाली के समय, जब अखिलेश दिवाली छोटी दिवाली पे सैफे गए थे, तो उन्होंने पत्रकारों को साफ तौर पर कहा था कि जल्दी चाचा के ऊपर बड़ा फैसला लिया जाएगा और उनको पार्टी में पूरा सम्मान दिया जाएगा। तो माना जा सकता है जिस तरह से उन्होंने संवाददाताओं से कहा था तो ये बात साफ हो गई थी कि जल्दी कुछ 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 दिनों के अंदर ही ये बड़ा जो है फैसला अखिलेश कर सकते हैं। और उन्होंने इस फैसले को लेके आज मुलायम सिंह यादव जो की सपा के संरक्षक है और बड़े नेता है हमारी पार्टी, यानी उनकी रीढ़ी है, आधार है हमारी पार्टी के, तो उनको लेकर, उनके जन्मदिन को लेकर ये बड़ा फैसला कर सकते हैं। और माना जा रहा है कि सपा कार्यालय में शिवपाल सिंह यादव जो की प्रसपा प्रमुख है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव मिलेंगे, मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन भी मनाएंगे और माना जाता है कि इनकी गठबंधन की घोषणा भी वहां हो सकती है। जी,
गौरव, जिस तरह से दोनों पार्टी एक होने जा रही है और छोटे छोटे जो पार्टियां हैं उनसे गठबंधन भी करते अखिलेश नजर आ रहे हैं, तो क्या बीजेपी को हटाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है और किस किस पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से गठबंधन की कवायद चल रही है, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार गठबंधन कर रही है। अभी हाल में निसार पार्टी की तरह उन्होंने गठबंधन की औपचारिक घोषणा की थी, आपको बता दूं अभी। और सपा की बात करें तो अभी जनवादी पार्टी, सोशल जनवादी पार्टी ने उनसे समर्थन की बात कही थी और अब प्रसपा के समर्थन की बात चल रही है। सुभाषपा से उनकी गठबंधन की औपचारिक घोषणा हो चुकी है, क्योंकि जोड़ा रोड शो भी कर रहे हैं उपचार राजभर और अखिलेश यादव मिलकर। तो माना जा सकता है चुनाव को देखते हुए बड़ी कवायदें अभी जो और चल रही है, बड़ी घोषणा हो सकती है, छोटे छोटे दलों को लेकर एक एक करने की जो पहल चल रही है, वो चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, दोनों पार्टियां अपने अपने जो छोटे छोटे दल है जिनसे बातचीत चल रही है उनको साथ लेकर चुनाव लड़ने की बात की जा सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमें जानकारी देने के लिए। अगली खबर पर भी बने रही है, हमें जानकारी देते रहिए गौरव। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की केंद्र की घोषणा के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने लखनऊ में आज किसान महापंचायत बुलाई है। लखनऊ के इको गार्डन के बंगला बाजार में आयोजित की गई है ये, जो सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत, दर्शन पाल, बलबीर सिंह राजेवाल और साथ ही जोगिंदर सिंह उग्राहा सहित कई किसान नेता भी मौजूद रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश सिकैत ने किसान महापंचायत के लिए किसानों से आने की अपील की है। उन्होंने चलो लखनऊ, चलो लखनऊ नारे के साथ रविवार को ट्वीट किया। सरकार द्वारा जिन कृषि सुधारों की बात की जा रही है वो नकली और बनावटी है। इन सुधारों के किसानों की बदहाली रुकने वाली नहीं है। कृषि और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाना सबसे बड़ा सुधार होगा, तो इस तरीके का ट्वीट किया गया है। और लखनऊ में आज पंचायत का आयोजन किया गया है, तो आज किसानों की बैठक होने वाली है, जो पंचायत होने वाली है लखनऊ में होगी, लखनऊ के इको गार्डन में होने की संभावना है। और 10 बजे से बताया जा रहा था कि शुरू होगी, जिसमें किसान नेता जुटेंगे। आपको बता दें कि राकेश टिकैत भी लखनऊ में मौजूद रहेंगे, लखनऊ के इको गार्डन में, और जहां पे किसानों को संबोधित करते हुए इस बात को कहेंगे कि जो सिर्फ 3 नए कृषि कानून वापस लिए गए हैं, इससे किसान और किसानी की जो तकलीफें वो दूर नहीं हो जाती। कृषि और किसान के लिए MSP भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी अन्य कई मांगे हैं किसानों की, जिसको लेकर भी आज जनता के बीच आएंगे। और ये बात भी सामने आ चुकी है कि किसान संगठन ये कह चुके हैं कि जब तक सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारे साथ इस खबर पे भी संवाददाता गौरव बने हुए हैं। गौरव, जिस तरह से किसान इस बात को कह रहे हैं कि हमारी सभी मांगे पूरी होगी उसके बाद ही प्रदर्शन खत्म होगा, तो क्या कहेंगे इस पे? 26 नवंबर 2020 से किसान आंदोलन चल रहा था और लगातार किसानों में चीज का विरोध प्रदर्शन था कि जो 3 कृषि कानून है उनको लागू ना किया जाए। और एक आंदोलन अगर उसकी शुरुआत करें तो ये पंजाब से शुरू हुआ था और पंजाब से शुरू होते हुए ये पूरे देशव्यापी हो गया था, और खास तौर से पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां पर इस आंदोलन का खासा उसका प्रभाव रहा था और अभी भी वहां पर आंदोलनकारी जुटे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि 3 कृषि कानूनों को लेकर जो कि भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता है राकेश टिकैत, वो लगातार कह रहे थे हमें कानून नहीं चाहिए। पर जिस तरह से और इसके अलावा विपक्ष के बड़ा मुद्दा भी था, लगातार विपक्ष कृषि कानून को लेकर सरकार पर हमला बरता था। केंद्र सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, किसानों में खासी नाराजगी बताई जा रही थी। जिस तरह से पश्चिम जो उत्तर प्रदेश है उसमें भी खासा प्रभाव पड़ रहा है, काफी संख्या में किसान वहां पर है, तो माना जा रहा था कि इसके पहले ही कुछ बड़ी घोषणा की जा सकती है। पर जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि 19 नवंबर को प्रधानमंत्री जब झांसी महोबा के दौरे पे गए थे तो राष्ट्र समर्पण पर अच्छा पर्व जो मनाया गया था, उस दौरान प्रधानमंत्री ने सभी अटकलों को विराम देते हुए अचानक से ही वहां पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए इन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी, जिससे कि माना जा सकता है कि किसान संगठनों में खुशी का माहौल था। पर इसी खुशी के माहौल के बीच कई किसान संगठनों ने इसका समर्थन ने किया था, तो भाई किसान संगठनों का कहना था कि ये कानून वापस तो हुए हैं पर हमको अभी भी कुछ रियायतें चाहिए जो कि सरकार हमको दे नहीं रही है, जिसको लेके भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा था कि कानून वापस हो गए हैं पर अभी जब तक ये संसद में रद्द नहीं होंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वही दूसरी बार उन्होंने ये भी कही थी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसकी भी गारंटी सरकार को देनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक इसकी गारंटी नहीं मिलेगी हम लोग अपने आंदोलन को वापस नहीं लेंगे, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसको
देखते हुए किसी किसान महापंचायत पंचायत का जो है आज वहाँ पर प्रबंध किया जा रहा है, जो कि लखनऊ के राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में किया जा रहा है। वहाँ बड़ी संख्या में किसान मौजूद है और माना जा रहा है कि लगभग 10 बजे के लगभग भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत वहाँ पहुंचेंगे, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भी वहाँ पहुंचेंगे। एक साल हो गया है किसानों के प्रदर्शन को और लगातार अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसान प्रदर्शन कर रहे थे, चुनावी माहौल भी है, इसीलिए सरकार ने इन तीनों कृषि कानून को वापस लेके और किसानों को घर जाने की बात कही है। तो क्या लगता है क्या बाकी मांगों को भी पूरा किया जाएगा सरकार द्वारा, क्योंकि एक तरफ तो चुनाव है और दूसरी तरफ किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो क्या संभावना नजर आ रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से माना नहीं, ये लग ही नहीं रहता कि किसान किसी कानून जो तीन किसी कानून लगाए गए हैं उनको रोका जाएगा, क्योंकि राज्यों से प्रतिक्रिया अच्छी नहीं आ रही थी कि जिन राज्यों में लागू हुआ था वहां पर भी किसानों में खासा रोष और विद्रोह था। तो माना जा रहा था कि जल्दी एक कानून पर कुछ बड़ा फैसला सरकार लेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो की हमेशा ही नई बात करते हैं और नई घोषणा करते हैं और उन्होंने सभी अटकलों को विराम दिया, क्योंकि बड़ा मुद्दा इस समय विपक्ष के पास था किसान आंदोलन को लेकर, किसी कानून बड़ा मुद्दा लगभग एक से मुद्दा चल रहा था, तो उसको विराम देते चुनाव को देखते हुए ये बड़ा फैसला किया है और किसी आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया है। और खास तौर से ये देखा गया है कि राकेश टिकैत अब ये आंदोलन का कब तक चलेगा, उनकी जो मांग है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, न्यूनतम समर्थन मूल्य की और अन्य रियायतों की बात, ये कब तक सरकार पूरी करेगी, इन पे विचार करेगी, ये वक्त बताएगा। फिलहाल ये बात तो साफ है किसान महापंचायत के माध्यम से राकेश टिकैत सरकार को और अन्य भी कुछ अल्टीमेटम देना चाहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। मऊ में मुख्तार अंसारी के साथ साथ उनके सहयोगियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी सुरेश सिंह की अवैध संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया है और इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर सुरेश सिंह की अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को सील कर दिया गया। वार्ड अंतर्गत धारा 57 गिरोह बंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में अभियुक्त सुरेश सिंह जिनके द्वारा अपराध से संपत्तियां अर्जित की गई थी, जो ग्राम भीटी में गाटा संख्या 990 रकबा 70 वर्ग मीटर अपनी पत्नी उषा सिंह और अपनी भाभी प्रेमलता सिंह के नाम से क्रय किया था, जिसको जिला अधिकारी विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही पार्टियों की सक्रियता भी बढ़ने लगी है। इसी कड़ी में इटवा विधानसभा के बिस्कोहर में समाजवादी पार्टी ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सपा के दिग्गज नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर सरकार को घेरा। संभल विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर के गांव भिरावटी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दौड़ प्रतियोगिता का फीता काट का शुभारंभ किया। इस मौके पर युवाओं में भारी उत्साह भी नजर आया और युवाओं बुजुर्गों में भरपूर जोश देखने को मिला। संभल में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव शाह फैसल खान समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भी सपा का दामन थाम लिया है, जहां विधायक इकबाल महमूद ने सभी लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर शाह फैसल खान ने बताया कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता के मन प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि अखिलेश यादव को ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, तो इस तरीके का बयान दिया गया है और सपा में शामिल भी हो गए हैं।
अलीगढ़ में रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए आए पूर्व विदेश मंत्री ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना पर दिए सपा राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि जिन्ना ने मुलायम के साथ नाइंसाफी की है, देश का विभाजन कराया। पूर्व विदेश मंत्री और वरिष्ठ सपा नेता सलीम इकबाल शेरवानी ने कहा कि पाकिस्तान से अच्छा दोस्त भाजपा का कोई नहीं, भाजपा कोई चुनाव पाकिस्तान का नाम लिए बगैर नहीं लड़ सकती। अलीगढ़ के तहसील अतरौली के नगर में तांगा स्टैंड के पास अहेरिया समाज का उस वक्त गुस्सा फूट पड़ा जब काफी लंबी समय से अहेरिया समाज के लोग ने आरक्षण की मांग को पूरा नहीं किए जाने को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। वहीं मौजूदा भाजपा नेता भी अहेरिया समाज को मनाने पहुंच गए, जिसके बाद भाजपा जिलाध्यक्ष ने अहेरिया समाज को समझा बुझाकर शांत कराया, साथ ही उनकी मांग को जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया। हम कभी स्कूल में जाते हैं तो पूछते हैं किस ब्रादर के हो, तो टीचर यही बोलते हैं जी हम बताते हैं अहेरिया, तो अहेरिया क्या होता है टीचर, और हमारे बच्चों से बोलते हैं ये अहेरिया कुछ नहीं है, अहेरिया कुछ नहीं है। सर हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे बच्चों का 1950 से जैसे हम SC कैटेगरी में आते थे, अब उसी 1950 के अकॉर्डिंग दोबारा से हम किसी भी वर्ग में शामिल हो अगेन से। फरुखाबाद के कोतवाली कायमगंज में विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की लिखी वायर ऑफ अयोध्या किताब के खिलाफ हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने सलमान खुर्शीद का विरोध करते हुए शव यात्रा निकाली। कार्यकर्ताओं ने सलमान खुर्शीद का पुतला गाड़ी में बांधकर खींचते हुए शव यात्रा निकालकर विरोध किया और सलमान खुर्शीद का पुतला भी फूंका। हमीरपुर में विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर मत्स्य पालकों को जागरूक करते हुए खेत तालाब योजना में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी और मत्स्य अधिकारी ने की। इस दौरान सभी मत्स्य पालकों को KYC कार्ड भी वितरित किए गए, जिससे वो जरूरत पड़ने पर बैंकों से लोन ले सके और अपने उद्योग को भी बढ़ा सके। लखनऊ के जानकीपुरम सहारा स्टेट गेट पर विधायक नीरज बोरा ने सदस्यता अभियान चलाया। इस दौरान विधायक ने लोगों को मिस्ड कॉल के माध्यम से भाजपा से जुड़ने की अपील की और बड़ी संख्या में लोगों को भाजपा की सदस्यता भी दिलाई। अभियान के दौरान नीरज बोरा ने कहा कि भाजपा ने इस बार बहुत सारे काम किए हैं और कैंप के दौरान जनता 2022 में फिर से भाजपा की सरकार बनाएगी। विधायक, यह सहारा स्टेट के गेट पर एक प्रोग्राम किया जा रहा है, क्या है ये पूरा कार्यक्रम? भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, आज उसी क्रम में सहारा स्टेट के बाहर यहाँ पर जानकीपुरम क्षेत्र में सदस्यता का कैंप लगाया गया, शिविर लगा है, जहाँ पे लोग आ रहे हैं बड़ी संख्या में और मिस्ड कॉल के माध्यम से लोग प्राथमिक सदस्यता पार्टी के ग्रहण। मथुरा में ललिता सखी मंदिर से भगवान निंबाकाचार्य की शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। इस मौके पर भक्तों ने जगह जगह फूल बरसाए और आरती करके शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत किया। वहीं संतों एवं आचार्यों ने प्रभु के जोरदार जयकारे लगाते हुए शोभा यात्रा में रस भर दिया। ये यात्रा मुख्य गलियों से गुजरते हुए हरिप्रिया कुंज आश्रम पर खत्म हुई। एक दिन संतों की गोष्ठी होती है, इसमें सभी बरसाने के प्रमुख संत इस गोष्ठी में भाग लेते हैं और चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, वो हमारे संप्रदाय में ऐसा कोई वो नहीं है, सभी संप्रदाय के संत हमारे निंबाकाचार संप्रदाय के उसमें भाग लेते हैं और बड़ा धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। संत अपनी वाणी से सभी लोगों को अपने अपने जो शब्द वाणी है उनसे नई बातें बताते हैं और संप्रदाय के बारे में बहुत चर्चा है। संभल के धाना धनारी क्षेत्र के गांव भकरौली का मामला है, जहां एक परिवार की तीन बहुएं उड़न खटोले से अपने ससुराल पहुंची। भकरौली निवासी
रामवर हीश यादव अपनी बहुओं को बेटियों से अधिक मान सम्मान देते हैं। बड़े अरमानों के साथ राम रहीश यादव अपने बेटे की दुल्हनिया लाने के लिए उड़न खटोले के प्रयास में जुटे और उनका ये प्रयास सार्थक भी रहा। उड़न खटोला दुल्हनिया लाने के लिए मिल गया। शनिवार की शाम को परिजन सैकड़ों की तादाद में बारातियों को लेकर वाहनों से बबराला मैरिज होम बगीचा में पहुंचे और बहू को उड़न खटोले से विदा कराकर लाने की सूचना जब कस्बाइयों सहित क्षेत्रीय इलाकों में पहुंची तो सुबह से ही लोग हेलीपैड पर पहुंचकर आसमान की ओर निहारने लगे। समय 8:30 बजे के करीब का रहा जहां चारों ओर उड़न खटोला घूमता नजर आया। तभी सभी ने हाथ हिलाकर दुल्हन का स्वागत किया। साथ ही बताया जा रहा है कि इससे पहले भी दो बहुएं उड़न खटोले से ही अपनी ससुराल पहुंच चुकी हैं। लखीमपुर जिले की 137 विधानसभा पारियों के विधायक रोमी साहनी ने एक बार फिर मिसाल कायम की है। इस बार उन्होंने गरीब बेटी की शादी का जिम्मा उठाया और खुद कन्यादान करके अपने आवास पर धूमधाम से गरीब परिवार की बेटी की शादी की। इस मौके पर विधायक के परिवार के लोगों ने भी हिस्सा लिया। क्या कहना चाहेंगे विधायक? देखिए, मैं 10 साल से विधायक हूँ और मेरी प्राथमिकता ये रही है कि मैं गरीबों की मदद करूं, चाहे गरीब की बेटी की फीस का मामला रहा हो, चाहे गरीब के आवास का मामला रहा हो, चाहे गरीब के इलाज का मामला रहा हो, चाहे गरीब बेटियों की शादियों का मामला रहा हो, मैंने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और ये मेरा स्वभाव भी है और ये करना भी चाहिए। यही इंसानियत है। अगर आपको भगवान ने सक्षम बना रखा है तो आपको गरीबों। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।